एक काफी घना जंगल था जहाँ पर बहुत से जानवर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। उस साल जंगल में बारिश काफी कम हुई थी, जिसकी वजह से पानी की काफी कमी हो रही थी। उसके कारण सभी जानवर पानी की तलाश में अपने पास वाले जंगल में जा रहे थे। दोस्तों, मैंने सुना है कि साथ वाले जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हाँ भाई जुगनू, तुमने सही सुना है। हमें वहाँ पर बहुत संभल कर चलना होगा और पानी लेकर सीधा अपने जंगल में रात होने से पहले आना होगा। कुछ दिन पहले वहाँ पर शेरों ने बहुत आतंक मचा रखा था। हम उम्मीद करते हैं कि शेर हमें ना मिले। अरे अगर मिल गए तो भगवान ही मालिक है हमारा। भाइयों, तुम सब लोग मुझे डरा रहे हो या मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो? डरो मत, तुम कुछ नहीं होगा। हम सबको बस साथ में रहना है। हाँ, अगर हम सब साथ रहेंगे तो शेर हम पर हमला नहीं करेंगे। हाँ भाइयों, तुम सब लोग ठीक बोलते हो। अब मेरी जान में जान आ रही है। सभी जानवर एक साथ चलते हैं दूसरे जंगल की ओर पानी की तलाश में। अरे और कितना दूर है पानी का तालाब? अरे बस थोड़ा और आगे है। सभी जानवर चल चल कर थक गए थे। तभी पेड़ के पीछे कुछ हलचल होती है। मुझे लगता है कि इस झाड़ी के पीछे शेर है। सभी जानवर घबरा जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शांति रखो, मैंने बोला था अगर हम सब साथ होंगे तो हम में कोई कुछ नहीं कर सकता है। कौन है झाड़ियों के पीछे? हाथी के बोलने पर भी कोई जवाब नहीं देता है। मैंने पूछा कौन है झाड़ियों के पीछे? जैसे ही हाथी चिल्लाता है तो एकदम से झाड़ियों के पीछे से मोंटी खरगोश निकल कर आता है। अबे मोंटी तू? हाँ जुगनू भाई, कैसे हो तुम सब लोग? तुम झाड़ियों के पीछे क्यों छुपे हुए थे और तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए थे पानी पीने के लिए? मोंटी खरगोश उसी जंगल में सभी जानवरों के साथ रहता था। मोंटी काफी समझदार खरगोश था। वो हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही कामों में करता था। अरे हाथी भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया था। जब जुगनू भाई के घर गया तो पता चला कि आप सब लोग पानी के लिए दूसरे जंगल में चले गए हो और मैं छुपा हुआ नहीं था। मैं तो इन झाड़ियों में फंस गया था। ये काफी घनी झाड़ियां हैं और उसमें बड़े बड़े कांटे भी हैं। अच्छा चलो अब चलते हैं, बस अब आने वाला है पानी का तालाब। सभी जानवर एक साथ फिर से चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उनको एक तालाब दिख जाता है। अरे वो देखो पानी का तालाब। अरे हाँ, यहाँ तो काफी ज्यादा पानी है। सभी जानवर भाग कर जाते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों बाद इतना सारा पानी देखकर हाथी, गाय, भेड़ और बकरी सभी जानवर पानी से खेलने लगते हैं। मजा आ गया इतने दिनों बाद इतना सारा पानी देखकर। मजा आ गया। मेरा तो मन कर रहा है पानी से बाहर ही ना निकलूं। दोस्तों, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ काफी जंगली जानवर रहते हैं और हमें वक्त रहते ही अपने घर पर पहुँच जाना है। हाँ तुम सही बोल रहे हो। सभी जानवर पानी से बाहर निकलने लगते हैं कि एकदम से शेर राजा उनके सामने आ जाता है। दूसरे जंगल के जानवर हमारे जंगल में पानी की चोरी करने आए हैं। चोरी किस बात की? जंगल जानवरों के लिए होता है और ये जंगल हमारा भी है, तो हम यहाँ से पानी पी सकते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहते हैं? हाँ हाँ हमें पता है, मगर हमारा तालाब ना सूख गया था इसलिए हम सब यहाँ पानी पीने आ गए। तुम बिना पूछे हमारे तालाब से पानी पीने आया हो, इसके लिए तुम्हें जुर्माना देना होगा। जुर्माना? किस बात का जुर्माना? मुझे काफी तेज भूख लगी है,
तो तुम में से कौन मेरा खाना बनना चाहेगा? हम सब कुछ जाने दो ना, अगली बार से हम यहाँ पर पानी पीने नहीं आएंगे। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मैं तुम सबको तभी जाने दूंगा जब मुझे कोई जानवर खाने को मिलेगा। वरना मैं अपने सभी दोस्तों को बुला लूंगा और तुम सबको वो लोग मार के खा जाएंगे। बोलो क्या करना है तुम्हें? सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। सभी लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगर शेर ने अपने दोस्तों को बुला लिया तो सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। मोंटी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता है और शेर राजा को एक सुझाव देता है। शेर राजा, हमें मंजूर है। शाबाश, तुम मुझे काफी अकलमंद लगे। सुझाव? हाँ, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम सबको जाने दूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। अरे नहीं नहीं शेर राजा, मैं तो आपके फायदे का ही सोच रहा हूँ। बताओ क्या सोच रहे हो, बताओ बताओ। अभी मैंने रास्ते में आते हुए एक बहुत सुंदर सफेद रंग का हिरन देखा था। वो झाड़ियों के पीछे काफी गहरी नींद में सो रहा था। अगर आप हम सबको जाने दोगे तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। सफेद हिरन? ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे शेर राजा, मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा ना। अगर आपको वो सफेद हिरन नहीं मिला तो आप मुझे खा लेना। सभी जानवर हैरान परेशान होकर मोंटी को देख रहे थे कि मोंटी शेर से क्यों झूठ बोल रहा है। जुगनू मोंटी के पास आकर धीरे से उसके कान में बोलता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है अगर शेर को वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो तुम्हें खा जाएगा। अरे तुम मेरी चिंता मत करो भेर प्यारे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तुम सब जा सकते हो, मगर याद रखना अगर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। जी मुझे मंजूर है। और शेर राजा सभी जानवरों को जाने देता है और मोंटी शेर के साथ चल देता है सफेद हिरन की तलाश में। सभी जानवर एक साथ चल रहे होते हैं तभी हाथी सभी जानवरों को रुकने को बोलता है। सभी लोग यहीं रुक जाओ। क्या हुआ हाथी भाई? मोंटी हम सब के लिए अपनी जान से खेल रहा है, मुझे लगता है हम सबको तो उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। हाँ हाथी भाई, आप सही बोल रहे हो, हमारे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। और सभी जानवर मोंटी की तलाश में वापस चल देते हैं। और दूसरी तरफ मोंटी शेर राजा को एक झाड़ी दिखाता है। शेर राजा, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने सफेद हिरन को सोते हुए देखा था। शेर झाड़ियों की तरफ देखता है और काफी खुश हो जाता है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा सफेद हिरन को खाकर। ये वही झाड़ियां होती हैं जहां पर मोंटी फंस गया था। तुम यहीं पर मेरे लिए रुको, मैं देख कर आता हूँ कि हिरन वहां पर है या नहीं। और सुनो, से हिले तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। शेर राजा आप चिंता ना करें, मैं यही खड़ा आपका इंतजार करूंगा। और शेर उन झाड़ियों के अंदर जाने की कोशिश करता है और एकदम से वो उन झाड़ियों के अंदर घिर जाता है। आ, आ, अरे अरे कोई मेरी मदद करो, मैं इन झाड़ियों में फंस गया हूँ। इस झाड़ी में तो काफी बड़े बड़े कांटे हैं। अरे कोई मेरी मदद करो। क्यों, मिला ना सफेद हिरन शेर जी? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा खरगोश के बच्चे। इतने में सभी जानवर भी वहां आ जाते हैं। अरे मोंटी तुम ठीक हो ना? और शेर कहाँ है? अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये कहाँ से आवाज आ रही है?
अरे शेर इन झाड़ियों के अंदर है। ये वही जगह था ना जहाँ तुम फंस गए थे? हाँ हाथी भाई, ये वही जगह है। वाह मान गए मोंटी भाई तुम्हें, तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह पर किया और हम सब की जान तुमने आज बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मोंटी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मोंटी भाई। चलो चलो अब जल्दी से चलते हैं, इससे पहले कहीं शेर यहाँ से बाहर ना जाए। और सभी जानवर अपने जंगल की ओर चल देते हैं। दोस्तों हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा सही वक्त पर करना चाहिए। मोंटी ने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही वक्त पर किया और उसकी समझदारी से सभी जानवरों की जान बच गई।